प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दर्शकों आज मैं वीडियो बनाया हूँ नवंबर महीने में वृष राशि वाले आपके लिए कैसा रहेगा हाल, आपके जीवन की प्लानिंग कैसे करनी है इस एक महीने में, इस एक महीने में आपको क्या सावधानी बरतनी है और इस एक महीने में आपको क्या जो है उपाय करना है। और व्यापार हो, कर्म क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, आपको किस तरीके से आपको और कितने समय के बाद अच्छा और कितने समय के बाद खराब है इस बारे में बताता हूं। सबसे पहले वृष राशि वाले, आपका नवंबर महीने का जो मैं राशिफल बता रहा हूं, 21 नवंबर तक आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हर कार्य आपका बहुत बेहतरीन चलेगा, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी और इसके बाद फिर जो है कुछ बड़े काम में आपको जो है सम्मान भी प्राप्त होगा। परंतु 21 नवंबर के बाद जब आपका शुक्र डाउन होगा यानी धनु राशि में चला जाएगा जो आपके लिए अष्टमेश हो जाएगा, तो 21 नवंबर के बाद थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव निश्चित तौर पर जो है झेलनी पड़ेगी। इसके बाद फिर मैं अगर बात करता हूँ दाम्पत्य जीवन की और साथ में मैं बात करता हूँ प्रेम संबंध का, तो वृष राशि वाले आपके लिए मैं देख रहा हूं कि उच्च का राहु आ रहा है यानी प्रेम संबंध आपका जो है थोड़ा मतभेदपूर्ण रहेगा, यानी आपका पत्नी से भी थोड़ा मतभेद रहेगा और मित्रों से भी थोड़ी सी आपको मतभेद रहेगी। और इसके बाद फिर जो है लव से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बाधा उत्पन्न होगा। और इसके बाद अगर आपका विवाह का कोई बात चल रहा है यानी विवाह करना चाह रहे हैं तो विवाह में भी बाधा उत्पन्न होगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ भाई बहन से रिश्ते के बारे में, तो भाई बहन से रिश्ता आपका ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही रहने वाला है, रिश्तेदारों से भी रिश्ता ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन इस समय थोड़ा सा मैं बता दूं कि थोड़ा सा आप गले के रोग से परेशान रहेंगे। और संपत्ति और शिक्षा के बारे में मैं बात करता हूँ और उन लोगों के बारे में भी बात करता हूँ जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं यानी उसका बिजनेस करते हैं, जो संपत्ति से रिलेटेड कार्य को संभालते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ वृष राशि वाले कि 17 नवंबर तक आपको संपत्ति से रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। 17 नवंबर तक जो है समझिए कि आपको, मैं बस बता सकता हूँ, कोई प्रॉपर्टी खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उसमें आपको बाधाएं उत्पन्न होंगे, यानी कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो 17 नवंबर के बाद इस काम को करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर फल मिलने वाला है, क्योंकि 17 नवंबर के बाद नीच का सूर्य का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और लॉटरी सट्टा आप लोगों की बात करता हूँ और उन लोगों की बात मैं करता हूँ जो अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं, और शिक्षा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इस समय आपका शिक्षा जो है इस महीने बहुत अच्छे रहने वाला है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट ट्रेडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जितने लोग भी काम कर रहे हैं आप लोगों का बहुत ही शुभ है, बहुत ही मतलब कह सकता हूं कि बढ़िया है। और ऐसे तो 10 नवंबर को मंगल प्रवेश हो जाएंगे तुला राशि में, फिर भी आपका इस महीने बहुत ही बढ़िया फल मिलने वाला है, खास करके अचानक अचानक जिनके पास पैसे आते हैं अचानक अचानक जो काम करते हैं। स्वास्थ्य की जहां तक बात मैं करता हूं तो वृष राशि वाले 17 नवंबर तक आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहेगा। 17 नवंबर तक जो है आपको संभल करके रहना है, आपको चेस्ट से रिलेटेड, पैर से रिलेटेड स्वास्थ्य ज्यादा खराब रहेंगे। शत्रु आपको इस समय ज्यादा परेशान करने वाले हैं, यानी आप किसी भी केस वेस करना चाह रहे हैं तो थोड़ा 17 नवंबर तक वेट कर लीजिए, इसके बाद कोई काम कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करता हूँ तो दाम्पत्य जीवन आपका ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। और व्यापार की अगर मैं बात करता हूँ तो व्यापार भी इस महीने आपका बहुत ही अच्छा चलने वाला है। हाँ, आप चाहें तो 10 नवंबर से पहले व्यापार से रिलेटेड कोई बड़ा कार्य आप कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। 10 नवंबर के बाद थोड़ा सा जो है आपको व्यापार में बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसके बाद फिर मैं और बात करता हूं तो मैरिड लाइफ में अगर पत्नी है तो पति का और पति है तो पत्नी का तालमेल ठीक रहने वाला है। केस मुकदमा की अगर मैं बात करता हूं तो इस महीने आपका जो है केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ अशुभ खबर आने का संभावना रहेगा, यानी कोई प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड आपका कुछ चल रहा है या कोई आप पे केस कर रखा है, फैसला आने वाला है तो आप इसे टाल दे यानी पार कर दे। इस महीने तो कोई डेट आप ले ही ना, नहीं तो आप फंस जाएंगे, और आप भी किसी को केस नहीं करें नहीं तो आप हार जाएंगे। संपत्ति भी अगर परचेज कर रहे हैं तो कागजात बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। और मैं जो बोलता हूं आप उस चीज को थोड़ा अमल करें तो बेहतर होगा। इसके बाद फिर मैं और आगे बात करता हूं कि विदेश यात्रा, नौकरी पेशा और पिता से और माता से रिश्ता कैसे रहने वाला है। तो विदेश यात्रा तो ऑलमोस्ट आपका डन है। रीजन क्या है मैं बताता हूं कि आपका विदेश यात्रा का स्वामी बृहस्पति है और नौकरी का मालिक तो शनि है। तो अभी फिलहाल आपके कुंडली में जैसा कि मैं देख रहा हूं कि नौकरी में आपको निश्चित तौर पे थोड़ा सा बाधा होगा, लेकिन उन लोगों के लिए शुभ फल है 5 नवंबर से, क्योंकि 5 नवंबर से बृहस्पति जब अपनी राशि में यानी धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो आप विदेश तो चले जाएंगे
और आपको इनकम भी कंटिन्यू आना चालू हो जाएगा, लेकिन 5 नवंबर से पहले आपका इनकम बहुत खास नहीं आने वाला है, आएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 5 नवंबर के बाद कहीं आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो जबरदस्त आएगा, जो पूरे नवंबर तक आपका इनकम बहुत बढ़िया रहने वाला है। नौकरी में भी पदोन्नति निश्चित तौर पर होगा, लेकिन कुछ लोगों का नौकरी चला भी जाएगा, ये भी योग है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वृष राशि वाले, अगर आपका नौकरी जा भी रहा है तो कोई बात नहीं, आपको तुरंत दूसरी नौकरी लग जाएगी, यानी इनकम का रास्ता खुला हुआ रहेगा एक न तो एक। इसके बाद मैं बात करता हूं कि विदेश यात्रा वाले, तो विदेश यात्रा आपका ठीक रहेगा, पिता से आपका तालमेल अच्छा नहीं रहने वाला है, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा और पिता का भी स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है, यानी पिताजी से आप तालमेल थोड़ा बना करके रखे तो बेहतर है, नहीं तो रिश्ता खराब करने से कोई फायदा नहीं है और रिश्ता खराब हो जाएगा। इसके बाद मैं अगर बात करता हूं कि क्या उन लोगों के बारे में जो कर्जदार है, तो मैं बताना चाहता हूं वृष राशि वाले कि आपके कर्जे का योग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा इस महीने। अगर आप कहीं से कर्जा ले रखे हैं तो आपको कर्जा जो है वो समाप्त हो जाएगा, यानी आप उस कर्जे की भरपाई कर देंगे, और अगर कर्जा भी लेना चाहते हैं तो आपको इजी वे में मिल जाएगा। अगर मिला जुला करके मैं बात करता हूं वृष राशि वाले, तो 17 नवंबर के बाद आपका थोड़ा सा परिस्थिति हेल्थ के मामले में ठीक होने वाला है, 17 नवंबर के बाद शत्रु के मामले में आपका थोड़ा सा परिस्थिति ठीक होने वाला है। अब मैं बात करता हूं कि इस पूरे महीने आपको क्या करना चाहिए। शनि आपके लिए इस महीने पूरे महीने बहुत ज्यादा खराब रहने वाला है, तो शनिवार के दिन गरीबों को जो है आप खिचड़ी बना करके खिलाएं, शनिवार के दिन जो है काला गुलाब जामुन आप गरीबों में खिलाएं। मैरिड लाइफ में निश्चित तौर पर बाधा आने वाला, मतलब जिनका शादी सेट होना उनके बारे में बात कर रहा हूं कि अगर शादी में बाधा हो रही है शादी सेट होने में, तो आप कुछ मत कीजिए, जल में थोड़ा सा भांग मिलाकर शिवलिंग पे आप चढ़ाना चालू कर दीजिए, चंदन का तिलक आप तो जरूर लगाइए। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि इस महीने आप पूरे महीने कोशिश करें ब्लू व्हाइट और लाइट पिंक या लाइट मैरून कलर का वस्त्र ज्यादा धारण करने का, और इस महीने आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, तब आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि तुरंत दूसरों पर विश्वास ना करें। वृष राशि वाले, पूरे नवंबर का मैंने आपको राशिफल बताया है, कब से खराब होगा कब से अच्छा होगा ये मैंने बताया है, शुभ रंग भी मैंने आपको बता दिया, क्या आपको रेमेडीज करना है ये पूरे महीने मैंने आपको बता दिया है। आप थोड़ा अपने मन को भी आप दूसरे पे कम विश्वास करें, अपने अनुसार चलें, खास करके स्त्रियों को मैं बोलना चाहता हूं कि पेशेंस रखें, और कोई अगर काम को कर रहे हैं तो पेशेंस के साथ करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मैं आऊंगा आपके लिए दिसंबर का पूर्णता राशि फल लेकर के, दिसंबर महीना आपका क्या बोलता है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो राशिफल बताने का तरीका है ये बहुत डिफरेंट है, मैं ये भी बताता हूं कि कब आपको अच्छा होने वाला कब खराब होने वाला है। अगर मेरा राशिफल बताने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है प्लीज मुझे कमेंट करें। एस्ट्रोलॉजिकल कोई भी अगर आपको समस्या है, मेरे फ्लैश नंबर हो रहे हैं स्क्रीन पे, नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं चाहूंगा कि आपके जीवन की हर समस्याओं को दूर करूं। आता हूं मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, ताकि हमेशा रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। आज मुझे इजाजत दीजिए दर्शकों, मिलूंगा फिर मैं आपसे और अच्छी वीडियो लेकर के, फिलहाल के लिए नमस्कार।